मुंबई में पैनिया पॉपअप समर कलेक्शन लॉन्च किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड के कुछ खास अभिनेता ने पैनिया पॉपअप के समर कलेक्शन में शामिल होकर उसको और चार चांद लगा दिए और काफी बहुत एक्साइटेड भी लगे। पर पायल सिंगल का कलेक्शन पहना है और आई थिंक व्हाट इज रियली नाइस अबाउट हर इज दैट उनका जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है, इट रियली फॉल्स ग्रेट ऑन योर बॉडी। तो कभी कभी क्या होता है ना, इफ इट्स नॉट नॉट ओवरवर्क्ड, बहुत सिंपल है, मटेरियल बहुत अच्छा है और द कट इज़ वेरी नाइस। सो दैट्स द रीजन यू आर लाइकिंग इट एंड आई होप एवरीवन लाइक्स इट टू। यस, so I'm wearing a piece from Pyle's latest collection. I think this collection in particular is one of my favorites. It's got a very tribal kind of Mexican inspiration to it, with, as you can see from the kind of prints that she's using. There's a lot of intricate work if you see this kind of embroidery that she's been doing at the moment, and it's something that I just absolutely love. I'm wearing a blazer with dhoti pants, blazer with her kind of signature embroidery for this collection, as well as dhoti pants. But today we're here to celebrate Payal and her 20 years in the industry and her phenomenal collection that's popped up in Bandra. Guys, don't miss it. You have to come down today. The store is already packed though, so you have to hurry. Yeah. ऑस्कर अवार्ड विनर गुनीत मोंगा की प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्लस माइनस को हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसकी खुशी टीम प्लस माइनस की टीम ने बड़े ही धूमधाम से मनाई। पसंद करें सबसे पहले वो, और फिर उसके बाद फिल्म फेयर का अवार्ड मिलना ऑफकोर्स खुशी की बात है। और हमने बड़े प्यार से, एक बहुत घर के जैसा, सबने कहा कि तुम भी आ जाओ और सब एक साथ मिलकर ये फिल्म बनाई है और उसे इतना सारा प्यार मिलना। So we are like celebrating it today and सब जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो सब आज हमारे साथ इस खुशी में शामिल हैं। सो प्लीज़ करें, देखिए मैं जो फिल्म करती हूँ उसके साथ अच्छा ही होता है मोस्टली, क्योंकि इंट्यूशन से करती हूँ। एंड इसमें ज्योति ने एक दिन सुबह मुझे वी वर प्लानिंग कि हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करना है, एंड शी कॉल्ड मी अर्ली मॉर्निंग कि दिव्या बड़ा मज़ेदार आइडिया आया है दिमाग में, एंड देन वी सैट एंड वी डिस्कस्ड इट, एंड फिर गुनीत आ गई और फिर भुवन आ गया, तो सब एक साथ हो गए और मुझे लगता है कि वो कारवां बनता गया वाला एक बहुत प्यारा सा कारवां हमारा बन गया। दैट इज ज्योति द राइटर डायरेक्टर, एंड ये इनका दूसरा फिल्म है। इन्होंने चटनी बनाई थी जिस पर भी इनको एक बेस्ट फिल्म मिला, एंड नाउ वी मेड प्लस माइनस टुगेदर विद भुवन एंड दिव्या। So yeah, thank you guys. Thank you everyone thank for you coming. Yeah, thank you so much for coming. Yeah, absolutely. Really, I think with the digital boom happening, we just got started. I mean, of course, with Filmfare including short films as a category. Yeah. I just think with the consumption of mobiles has increased 500% with high speed data, with Jio coming in. So the digital boom clearly leads to more content. And short form content is more easily consumed, and people are consuming it on mobiles, on tablets, on computers, on everywhere, and it is I think it is here to stay, and we just got started. मुंबई में रखी गई फिल्म अब 377 नॉर्मल है की स्पेशल स्क्रीनिंग जहां फिल्म की टीम कास्ट नजर आई, तो वहीं इस स्क्रीनिंग पर दिशान, आयुब और पारस तोमार गायब देखे गए। आई एम वॉचिंग द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत मुझे बस नर्वसनेस हो रही है क्योंकि अभी ऑब्वियसली रिव्यूज हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड पीपल हैव रियली लाइक्ड इट, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने फिल्म नहीं भी देखी है वो भी मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं दैट यू नो वी हर्ड सच गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड अबाउट योर परफॉर्मेंस। सो मुझे आई एम जस्ट क्यूरियस नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स टू वॉच द फिल्म फाइनली। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूवी दैट इज रियली हार्ड हिटिंग एंड high time that we have on Indian cinema some subject like this, you know, because as we know section 377 criminalized homosexuality in this country, and there were some people who represented the LGBTQ community who fought for their rights, and it's a beautiful subject. वही मैं कह रही हूँ कि ये विषय ऐसा है जो ये मुद्दा ऐसा है जो इट वॉज हाई टाइम के इंडियन स्क्रीन पे दर्शाया जाए, एंड द सब्जेक्ट इज़ रियली हार्ड हिटिंग। एंड आई थिंक फारूक कबीर ने मुझे एक दिन ऐसे कॉल करके बोला यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रोल एंड इट्स अ रोल ऑफ अ लॉयर, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट जस्ट हैपन लाइक अ In the matter of 5 minutes, I think I was on for this movie. हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचा रखी है, साथ ही में फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बनी बहुत ज्यादा तारीफ चल रही है। ऐसे में हमने फिल्म की
बैकग्राउंड स्कोरर राजू सिंह से कुछ खास बातचीत की, जिसमें राजू ने बताया कि फिल्म उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है और इसके बाद अक्षय उनके काफी खास बन चुके हैं। आई लिव इन माई ककून एंड मैं अपने रूम में बंद रहता हूँ, अपना काम करते रहता हूँ एंड आई वुडंट से आई डोंट पार्टी बट पार्टी विद ओनली क्लोज फ्रेंड्स। सो मेरा ये रहा है कि बस काम करते रहो, काम बोले तो बेटर, और कभी कभी बोल देता है तो उसके थ्रू फिर यू नो यू गेट वर्क, वर्क गेट्स वर्क, मेरा मेन मोटो इज दैट। एंड प्रॉबली आई एम नॉट अ गुड सेल्समैन फॉर माई सेल्फ, सो आई प्रेफर कि जो मुझे आता है मैं वो करूँ, काम करने आता काम कर लूँ। मुंबई में बीती रात हुई फिल्म नोटबुक की स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग सनी सुपर साउंड पे रखी गई थी और अंधेरी स्थित यश स्टूडियो में। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए प्रोडक्शन के कुछ लोग आए और इसके अलावा सलमान खान, अलवेरा अग्निहोत्री, सलीम खान और रमेश तौरानी भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे। मुंबई में मिर्जा गालिब गजल के ऊपर नई एल्बम को लॉन्च किया गया। इस इवेंट पर बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटीज पहुंचे, विशाल भारद्वाज और मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी और साथ ही साथ सिंगर पंकज उदास और गजराज राव भी नजर आए। ये जहन में आया था करीब 25 साल पहले, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली की मेरी पैदाइश है, वहीं पे बड़ा पला बड़ा हूँ, और दिल्ली में आप गज़ल गाते हैं तो गालिब मीर मोमिन ज़ौक ही गाना पड़ता है। तो वो एक ज़माना था जब गज़ल गाते थे, गालिब गाते थे, बहुत मन था एल्बम करने का लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था। फिर बम्बई आ गए, फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो गए और फिल्मों का काम ये सब भी चलता रहा मेरा। फिर मुझे बहुत सालों बाद करीब 3-4 साल पहले लगा कि हमें वी शुड अगेन डू समथिंग फॉर मिर्ज़ा गालिब, एक एल्बम करना मेरा हक है और मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जिस घराने को बिलोंग करता हूँ बेगम अख्तर का घराना है, तो वहाँ सिर्फ गालिब गाया जाता है। तो वो एक सोच थी 4-5 साल पहले, फिर वो जो टाइम लगा धीरे धीरे करते करते हमें 2 साल लगे एल्बम करने। फिल्म जंगली की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी विद्युत जामवाल ने क्रू मेंबर्स के लिए जहाँ वो खुद मौजूद थे। फंड्स को लेकर काफी स्ट्रगल के बाद फाइनली 12 अप्रैल को सुमित्रा ननादे की फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर फिल्म की कास्ट मीडिया से खास बातचीत करती हुई दिखाई दी। ये फिल्म किए हुए थोड़ा वक्त हो गया, उसके बीच में मैंने पूरी मंटो बनाई और काफी कुछ उसकी रिलीज और ये सब में लगी रही, तो मुझे भी एक ऐसा लग रहा है कि एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। ये फिल्म मैंने मेनली 2 कारणों की वजह से की। एक तो सौमित्र रानडे जो इसके डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे पुराने दोस्त रह चुके हैं और दोस्ती में अगर कोई कभी कुछ मांगते हैं तो फिर मना नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की मंटो में कई दोस्तों ने मुझे बहुत मदद की, फ्री में आके काम किया, कई सिर्फ दोस्त नहीं जो अनजान जैसे स्ट्रेंजर्स भी थे, जिनको मैं मतलब स्ट्रेंजर्स इन द सेंस कि जिनको मैं अच्छे से जानती नहीं थी, जैसे गुरदास मान साहब हुए या ऋषि कपूर जी हुए, ऐसे कई दूसरे एक्टर्स थे जिनको मैं पहचानती भी नहीं थी और उन लोगों ने आके काम किया। परेश रावल हैं, जावेद साहब, इन लोगों को तो खैर मैं जानती थी, बट रणवीर शोरी, मैनी एक्टर्स केम एंड हेल्प मी। तो मुझे लगता है कि एक गुडविल का साइकिल चलते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि अल्बर्ट पिंटो जो ओरिजिनल थी 80s में जो मैंने देखी थी और एक कल्ट फिल्म थी, अपने ज़माने की रियलिटी को जो दिखाती थी, तो एक तरह से हमारी ये ट्रिब्यूट भी है उस फिल्म के लिए। तो देखते हैं अब लोग इसे कैसे पसंद करते हैं या रिलेट, मेरे ख्याल से रिलेट तो ज़रूर करेंगे क्योंकि आज भी लोगों के अंदर काफ़ी एक गुस्सा है, जो गुस्सा जो दर्द से निकलता है, क्योंकि अपने चारों तरफ हम जो सिचुएशन देखते हैं और देखते हैं कि इतनी असमानताएं हैं, किसी को कितना मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं है, यू नो, और लोगों को बांटा जा रहा है जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जेंडर के नाम पे, तो इन सब चीज़ों के बारे में अल्बर्ट को क्यों गुस्सा आता है और वो क्या करता है वो आपको देखने को मिलेगा। और स्टेला का जो कैरेक्टर है जो मैं अदा करती हूँ, जो शबाना जी ने किया था ओरिजिनल में, उससे वैसे काफ़ी फ़र्क है, ये एक सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रीमेक है। तो स्टेला एक तरह से देखा जाए तो ऑर्डिनरी औरत है जिसके सिंपल ख्वाब हैं कि वो अल्बर्ट को प्यार करती है, एक सिंपल ज़िंदगी जीना चाहती है, पर उसमें भी स्ट्रगल्स तो हैं, मतलब हम जैसे ऑर्डिनरी कहते हैं उनके भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल्स तो हम सबके होते हैं। तो और सौमित्र का एक अलग टेक है स्टेला पे
कि वो मैंने 5-6 कैरेक्टर्स किए हैं जो, क्योंकि अल्बर्ट को शायद सब जगह सला दिखती है, तो आप देखिएगा फिर आपको पता चलेगा वो क्यों अलग अलग किरदार में है। अल्बर्ट पिंटो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? इट्स हम लोगों ने डम शराज में बहुत खेला है, ये हर बार एक दूसरे को बोला है डम शराज में, तो डम शराज की गान एक्चुअली ज़्यादा फेमस है नाम। दो इट्स 1980 की कल्ट क्लासिक है नसीर साहब की, और मेरे फेवरेट हैं नसीर साहब, हमारे कंट्री के सबसे उम्दा एक्टर और स्टार हैं। तो एक तो ये बड़ी एजी फिल्म है, वो फिल्म भी बड़ी कमाल थी 1980s में, और ये भी बड़ी एजी फिल्म लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, एंटरटेनिंग है। तो मुझे लगा कि, और ख़ासकर नंदिता, सौरभ शुक्ला, ये कमाल एक्टर जब साथ हों, किशोर कदम, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स में साथ हैं, तो आपको उसका हिस्सा होने में मतलब ये सब लक है आपका कि यू आर लैंडेड इन दीज विद दीज ग्रेट एक्टर्स। फिल्म में एक जर्नी है फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा। फिल्म जो भी हमारे आजकल समाज में हो रहा है, जिससे एक तरह का गुस्सा जो हर यूथ के पास है, हर जगह है, सबके पास है, उसका एक एक्सप्रेशन है कि क्या किया जा सकता है, और अगर हम एक गुस्से भरा स्टेप ले लें तो क्या होगा, और अंत में हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी क्या कर सकता है। सो उस तरीके की एक बात है, कई सवाल रेज करता है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है कि बहुत सारे लेयर पे फिल्म चलती है। इसका स्क्रीन प्ले वन ऑफ द फाइनेस्ट आई हैव रेड, और सौमित्र नारायण कमाल के फिल्म मेकर है। ओके, और अगर बात करें दूसरे कोस्टार हैं जैसे कि नंदिता है, सौरभ शुक्ला सर है, ये सारे तो मतलब कमाल के एक्टर हैं, साथ में आती है, तो इनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? आई मीन सौरभ शुक्ला राइटर डायरेक्टर हैं, नंदिता राइटर डायरेक्टर एक्टर हैं, मैं राइटर डायरेक्टर एक्टर हूँ, तो क्या है कि हमारा एक सिमिलैरिटी थी, लेकिन असल में ये बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, इनका ओपिनियन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जिस तरीके से अप्रोच करते हैं फिल्म, जिस तरीके से अप्रोच करते हैं कैरेक्टर, बहुत अलग है, और उससे बहुत सीखने को मिलता है। और वो कहते हैं ना, आपका अपोनेंट अगर अच्छा हो तो आपका गेम अच्छा होता है, तो ये लोग इतने कमाल हैं कि मैं भी थोड़ा ठीक दिखने लगा हूँ इसमें।